क्या करें, छोड़े लेटी रहो। आप खुद थके हुए। मेरी थकावट तुम्हें देख के दूर हो जाती है। फिर भी अच्छा ही लगता। क्यों, इसमें क्या बुराई है? तुम भी तो मेरा इतना ख्याल रखती हो। जब मेरे सर में दर्द होता है तो तुम भी तो दबा देती हो। प्रभु, तो मेरा फर्ज है ना। और ये मेरा फर्ज है। सिर्फ बीवी ख्याल रखे ऐसा कहीं नहीं लिखा। शौहर का भी फर्ज है कि वो बीवी के आराम का, उसकी खुशी का ख्याल रखे। अब बहुत अच्छे। बहुत खुदगर्ज हूं मैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कुछ गलत तो नहीं कह रहा? खैर तुम बताओ, सेटिंग होगी सारी घर की? हाँ, फाइनली हो गई। और शायद आज मिकाल पप्पू को बता भी दे। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक यू। What's wrong with you, mom? आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे घर की नहीं, मैंने किसी की डेथ की न्यूज़ दे दी हो आपको। किसने कहा था तुमसे घर लेने को? रह तो रहते यहाँ सुकून से। मैं अपने सुकून के लिए दूसरों को बेसुकून नहीं कर सकता मॉम। कुछ दिन की बात होती तो ठीक था, मुस्तकिल किसी के घर रहना इट्स नॉट इम्पॉसिबल। किसी ने कुछ कहा तो नहीं था ना? मॉम हम क्यों इंतजार करें किसी के कुछ कहने का? वैसे भी मुमानी जान और बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं, वो खुद से कभी कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल मैंने घर ले लिया है और कल हम शिफ्ट कर रहे हैं।